इतिहास गवाह है कि पुराने समय में एडम के साथ कितना अत्याचार हुआ करता था। कोई भी करेक्टर उसे इज्जत नहीं देता था और फ्री फायर में उसे तुच्छ समझा जाता था, उसे एक बेइज्जती के रूप में देखा जाता था। सारे एडम को यह सब सहा नहीं गया और सारे लोग मिलके एक प्लान बनाया कि आने वाले हमारे बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हमें कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। जैसे अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पाने के लिए हमारे भारत के वीरों ने शहीद किया था, कुर्बानी दिया था, उसी तरह से एडम भी चाहते थे कि हमें इज्जत बनाने के लिए और हमारे फ्री फायर में इज्जत के लिए हमें कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। और यही सब देखते हुए सारे एडम ने प्लान बनाया और पुचिनोक के पुल के पास जाके कुर्बानी का रास्ता देखने लगा। फ्री फायर के दूसरे कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खुश थे, उसे लगता था एडम तुच्छ है, बट एडम एक तुच्छ नहीं था, हमारे फ्री फायर का एक साथ। कुछ ही देर बाद वहां से सारे लोग एक एक करके कुर्बानी देना शुरू कर दिए और पुल से नीचे कूद के अपना जान दे दी। और इन्हीं के कुर्बानी की वजह से आई डीजे एडम को इतना इज्जत दी।